हाउल टूडे स्पेशल सनडे क्लासेस टूडे क्लास में तो कुछ नहीं है पर अगले जो आज मैं दो वीडियो कुछ बनाऊंगा अगले वीडियो में मैं मैथ की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का एक सिर्फ फ़नी क्लास होगी नॉट एन इम्पोर्टेंट लेक्चर ओके स्टार्ट करते हैं आज लास्ट पार्ट पढ़ा थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लॉस चैप्टर लॉस एंड मोशन का थर्ड पार्ट होगा डेट ट्वेंटी वन सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके स्टार्ट करते हैं चले तो स्टार्ट करते हैं कल तक तो हमने पढ़ा था न्यूटन्स नहीं कल तक तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था इधर तक आपको तो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन एक, एक एक दूंगा न्यूटन तो सेकेंड लॉ इसका फॉर्मूला बनता है ऐसा कुछ इस तरह एक वल नेट बाय एम और एफ नेट इक्वल एम ए तो इसका एग्जांपल बताऊंगा एम इक्वल टेन के जी एक्ल्स एफ बाय एम एफ कितना है नाइन्टी एट है तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर मिलता है टेन डिवाइडेड बाय नाइनटी एट इक्वल्स नाइन पॉइंट एट तो इक्वल्स नाइन पॉइंट एट एम एस और अब उसी की तरह इधर एफ ग्रेव इक्वल्स नाइन पॉइंट एट एन एक्ल्स एफ बाई एम एक्वल नाइन पॉइंट एट डिवाइड बाई वन इक्वल नाइन पॉइंट एट मास्क द इफेक्ट ऑफ मास्क वी हैड लर्न हिस्टोकल हमने जो पढ़ा था इफेक्ट्स थे मास्क के आज एक नए पॉइंट के साथ आए हैं जिस पॉइंट का नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ अ मोशन क्या है पॉइंट का नाम न्यूटन का सेकेंड लॉ है मोशन का The acceleration of an object is dependent upon both force and mass though is uh, motion mein do acceleration hota hai, it is dependent on the both force and mass depend. Hota hai. Thus if the colliding objects have an equal mass they will have an equal acceleration as a result of the contact force which results during the collision. न्यूटन्स थर्ड लॉ पहले मैं सेकेंड लॉ का एक्सप्लेनेशन करूँगा इफ द कोलाइड ऑब्जेक्ट हैव अन एकवल दे विल हैव अन एकवल अगर कोई ऑब्जेक्ट को कोलाइड ऑब्जेक्ट को अगर सुन ले बेटा सुन ले बेटा समझ जाए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा क्या समझ लिया चार पॉइंट ये जो है ना फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ तो समझ लिया टाइम पास मत कर मोबाइल में देख के ऑनलाइन लेक्चर की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ इफ़ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट हैव एन इक्वल मास अगर अन एकवल होगा कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का दे विल अन एकवल एसिलेशन उनको अन एकवल भी होगा एज अ रिजल्ट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स विच रिजल्ट ड्यूरिंग द कोलिजन उसका रिजल्ट होता है कोलिजन ओके okay, समझ में आया एक्सप्लेन करूँ और एक बार नहीं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर समझ नहीं आया तो पॉज करके पीछे से ले लो और दो तीन बार सुन लो समझ आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टार्टेड एज़ फॉर एवरी एक्शन देर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्शन अगर कोई एक्शन होती है तो उसको अपोजिट रिएक्शन होती है एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अगर कोई रिएक्शन होती है साइंस में केमिस्ट्री में फिजिक्स में अगर कोई एक्शन अगर होती है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ज़रूर मिलता है इन आवर डेली लाइफ आल्सो एक एग्जांपल अच्छे से देता हूँ अगर आप किसी को जाके एक झापड़ मार दिए थप्पड़ मार दिए एक वो भी आपको इक्वल या अपोजिट रिएक्शन तो ज़रूर देगा ना देगा बरोबर देगा मीन्स दैट फोर्सेस ऑलवेज इन पेयर्स ये दोनों हमेशा पेयर्स में अकर होते हैं और एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको हाँ अगर कोई आपको न, कुछ गाली बकरा होगा आपके अपोज में तो आप उसको गाली बकोगे ना जरूर बकोगे हाँ तो इट इज एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड सेम रिएक्शन हाँ मीन्स दैट फोर्स ऑलवेज अकर इन पेर फोर्स आर इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइक कन्वर्जन आर इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल समझ आया होगा आपको जरूर हाँ सिंगल आइसोलेट आइसोलेटेड फोर्सेज नेवर हैपन द टू फोर्सेज इन्वॉल्व आर कॉल्ड द एक्शन फोर्स एंड द रीएक्शन फोर्स सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर हैपन द टू फोर्स इन्वॉल्व आर कॉल द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स मतलब हिंदी में समझा दे रहा हूँ सोलो बेटा सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी होता नहीं है एक फोर्स कभी अपने आप खुद से काम नहीं कर सकता अगर दो फोर्स इन्वाल्व होते हैं तो एक्शन फोर्स और द रिएक्शन फोर्स दोनों में से कहा जाता है उसको दीज नेम आर अनफॉर्चुनेटेड फॉर अ कपल ऑफ रीजन्स The action and reaction forces exist at the same time equal equal means both forces are exactly the same size they are equal in magnitude both forces exist at the same time <laughs> they both start at exactly the same instant and they both stop at exactly the same instant they are equal in time they are equal in a time opposite means that the two forces always act in a opposite direction exactly 180 degree part newton's third law of motion in every interaction there is a pair of forces acting, acting on the two interaction object the size of the f force on the first object equal the size of the force on the second object the direction of the force on the first object is opposite to the direction of the force on the second object force object force always come in pair equal and opposite reaction force play pairs newton's third law

लूज मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्सेज ऑन द टू इक्वल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन मैग्नेट्यूड समझ आया होगा आपको इस पार्ट समझ आया ना आप आ, दो क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क करना है होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन है कैन एक्शन रिएक्शन बैलेंस ई चौधर कैन एक्शन रिएक्शन बैलेंस ई चौधर दोनों में बैलेंस होता है क्या वॉट डज अ फोर्स डू फोर्स क्या करता है समझ आया होगा आपको इस क्वेश्चन को तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं मैं आपको इधर से दिखा दूंगा हाँ स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इधर तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्क्रीन शॉट लेने के काबिल है ओके okay. आज का चैप्टर तो यही फिनिश होता है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ साइंस क्लास नाइन आज संडे स्पेशल के लिए मैं एक मैथ्स की ट्रिक का एक वीडियो बनाऊंगा जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है जो एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट काम में आ सकती है इसलिए मैं आज एक ट्रिक बनाऊंगा वीडियो अगर हो सका तो अपलोड कर दूंगा आज या कल दो दिन में हो जाएगा ओके तो बाय बाय फ्रेंड्स हाउल